समाज यदि परिवार में चल रहे झगड़े का क्या अंजाम होगा ये तय होने वाला है। अखिलेश यादव अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो बैठक में जाने से पहले विधायकों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। बैठक खत्म होने के साथ ही सभी विधायकों को सीएम आवास पर ही रोका जाएगा ताकि वो मुलायम की बैठक में शामिल ना हो सके। थोड़ी देर में मुलायम सिंह यादव की बैठक भी शुरू होने वाली है, जिसमें शिवपाल यादव और अतीक अहमद के अलावा वो तमाम प्रत्याशी शामिल हो रहे हैं जिसकी घोषणा मुलायम सिंह यादव ने की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो एक बैठक इस वक्त चल रही है अखिलेश यादव जिनके समर्थन में जो विधायक हैं उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं, और बैठक के बाद सीएम आवास पर ही इन विधायकों को रोका जाएगा। विवेक तिवारी हमारे साथ हैं। विवेक, क्या अपडेट मिल रहा है अभी? विवेक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो अभी क्या अपडेट है? देखिए, अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी दफ्तर पर आना का सिलसिला चल ही रहा है। अभी कुल मिलाकर 14-15 विधायक ही आए हैं, बाकी एमएलसीज है और जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको ही बुलाया गया है। तो अभी यहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर विधायक जो बड़ी संख्या में है वो अभी अखिलेश यादव की मीटिंग में ही है, और वहां से यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आजम खान ने अपने कुछ करीबी लोगों की एक मीटिंग बुलाई है 3 बजे अपने आवास पर, और अब इस वक्त जो बैठक की कोशिश की जा रही है वो आजम खान की तरफ से की जा रही है। अब वो कितना उसमें कामयाब होते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी खबर ये है कि राम गोपाल यादव ने जो अधिवेशन बुलाया था राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में 1 जनवरी को, उसकी जगह बदल दी गई है। अब वो अधिवेशन वहां की वजह जनरेशन विश्व पार्क में उसी वक्त पर होगा। ऐसा तो ये तीन चार चीज शायद इसकी वजह ये है कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा होगी और उस सभागार में उतनी जगह नहीं है, इसलिए जनरेशन मिश्र पार्क में उस अधिवेशन को बुलाया गया है। अच्छा विवेक, एक बात और भी देखिए जरा कि क्या कहें कि इस बार जो आकलन किया जा रहा था मुलायम सिंह यादव की ओर से कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा चाहे विधायक हो एमएलसी हो वो उनका साथ देंगे, एक जो उनका विश्वास था वो कहीं ना कहीं डगमगा गया, चूक गया, क्योंकि अभी इस वक्त हम अगर मौजूदा हालत देखें तो अखिलेश के समर्थन में ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। एक तरह से जो एक कोशिश आज मुलायम सिंह यादव की ओर से भी होने वाली थी कि प्रत्याशियों को बुला करके एक मंथन किया जाए, उसमें भी वो फेल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जिन प्रत्याशियों का टिकट अखिलेश यादव की सूची में नहीं है और मुलायम सिंह यादव की सूची में है वो तो यहाँ पर आए हैं। हाँ। लेकिन जिनके नाम दोनों ही लिस्ट में है उनमें से यहाँ पर विधायकों की संख्या ना के बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं उनको अगर हम प्रतिशत में बांटे तो शायद यहाँ पर 5-7 या 10% विधायक ही यहाँ पर आने की संभावना बन रही है, बाकी के विधायक सारे इस वक्त अखिलेश यादव की ही मीटिंग में है। चलिए विवेक, अपडेट लेंगे आगे भी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त अखिलेश समर्थक जो एक तरफ आपको बताएं कि दावा भी कर रहे हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, अखिलेश समर्थक हैं आप। नावेद सिद्दीकी जी, इस वक्त तो ये कहें कि जो एक कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव ने दिखाया था अपनी बातों को मुखर तरीके से रखते हुए, अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करते हुए, जो उनका एक कॉन्फिडेंस था कि लोग उनके साथ हैं, उनकी बातों को समझते हैं, वो आज नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर है ये अखिलेश यादव जी ने काम किया है। अखिलेश यादव जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था 2012 में, जो क्रांति रथ लेके वो निकले थे, जहां जहां वो गए और उनकी क्लीन इमेज, साफ छवि, ये सारी चीजें देख करके लोग उनके साथ जुड़े। और इतिहास में, श्वेता, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इतिहास में अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी पार्टी ने बहुमत से सरकार नहीं बनाई, और अखिलेश यादव जी के आने से उनका चेहरा जब आया तो सरकार बनी और इस मेजोरिटी से बनी। आज बड़े अफसोस की बात है कि कुछ बाहरी लोगों की वजह से उनको एक पानी की तरह समझा गया, और पानी की तरह इसलिए समझा गया कि पानी को, जैसा कि लोग जानते हैं कि किसी भी रंग के अगर गिलास में डाला जाए तो वो उस रंग में ढल जाए। लोग ये चाहते थे कि जिस रंग के गिलास में डाला जाए वो उसमें ढल जाए, लेकिन एक नासमझी ये हो गई कि पानी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत शेर है कि हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो पानी जिन्होंने समझा आज वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि पानी तो अपना रास्ता बना लेता है, और उसने बना लिया, आज दिखा दिया उसने
कि वो हमारा रास्ता हमने अपना किस तरह से बना लिया। और कई मौकों पे हमने ये कहा भी है, जब मैं पार्टी का प्रवक्ता था, कल मैंने प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया, जब आदरणीय नेता जी ने अखिलेश जी को पार्टी से निष्कासित किया तो उसके फौरन बाद हमने अपना इस्तीफा दिया। हमारे रहनुमा वही हैं, हमारे लीडर वही हैं, वही हमें हमारे जिस मैं प्रोफेशन में था पहले रेडियो इंडस्ट्री में, वहीं से वो हमको लेके आए थे। तो मेरे तो रहनुमा वही हैं, समझना चाहती हूं, इस्तीफा दे दिया मैं उनके साथ था। एक साल के अंदर यूं कहें या 7 महीने के अंदर यूं कहें कि स्थिति इतनी तेजी से बदली कि अखिलेश समर्थक एक तरफ, मुलायम समर्थक एक तरफ। 2012 में ऐसा नहीं था, 2012 में पूरा परिवार, पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी थी, और उस वक्त किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। उस वक्त मुलायम सिंह ही एक तरह से चेहरा हमेशा रहे थे समाजवादी पार्टी का, और उनके ही दम पर वो चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, अखिलेश साइकिल रथ लेकर निकले थे, और उसके बाद उन्होंने ये जरूर एक कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी में युवा शक्तियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और उसके बाद जब सत्ता में आए, जब बहुमत हासिल किया, मुलायम सिंह यादव ने यह निर्णय लिया। तो अचानक एकाएक आप लोगों की प्राथमिकता बदल गई, आप लोगों को लगने लगा नहीं, मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, अखिलेश यादव को या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव का सपोर्ट करना चाहिए, कैसे ये सब चीजें मना स्थिति कैसे आप लोग की बदलती चली गई? श्वेता, हम लोगों ने कभी ये नहीं समझा कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव साहब कमजोर हो गए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए जो हमारे रफीकुल मुल्क हिंदुस्तान हैं, उनको हम लोग मानते हैं, हमेशा मानेंगे, हमारी सरपरस्ती उन्हीं की रहती है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान हम लोग करते हैं, अखिलेश यादव जी भी उनका सम्मान आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नेताजी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सरपरस्त हैं, वो जो भी कहते थे, पार्टी की बात जो भी करते थे, तो हमने कभी ये नहीं कहा हम लोगों ने कि नेताजी कमजोर हो रहे हैं। तो जो जिन अल्फाजों का भी आपने इस्तेमाल किया, तो कभी समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश जी के कोई भी समर्थक ने ये नहीं कहा कि वो कमजोर हो रहे हैं, बल्कि वो हम लोग को रास्ता दिखाते थे। लेकिन ये जो एक ये कुर्सी होती है जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, ये कुर्सी बहुत खतरनाक चीज होती है। ये जो सारा खेल है ये कुर्सी का है, अब आप समझ सकती हैं, अपनी तरफ से आंकड़ा निकाल सकती हैं। तो ये अखिलेश यादव जी को जनता आज देख रही है। सिद्दीकी साहब, आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया, कुर्सी बड़ी अहम होती है, जो उसी कुर्सी पर मुलायम सिंह यादव बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं। आप अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई फैसला लेता है अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत, जो कि आपकी पार्टी के संविधान में है साफ तौर पे, कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई फैसला लेता है कोई लिस्ट कैंडिडेट की वो लेकर के आ रहा है, तो उसके पैलर आप लिस्ट नहीं ला सकते हैं, ये साफ साफ अवहेलना है, और उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाता है तो ये सब चीजें आप लोगों को गलत लगने लगती है, पार्टी एक तरफ हो जाती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक तरफ हो जाती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लिस्ट ये हम मानते हैं कि लिस्ट जो नेताजी ने जारी की, अखिलेश यादव जी ने भी एक लिस्ट उनको सौंपी। अब जब उनको जिम्मेदारी दी गई, काम उन्होंने किया, उनके चेहरे पे जा रहे हैं, जनता सवाल जवाब किससे मांगेगी? वो अखिलेश जी से कहेगी कि ठीक है, आप आए, आपने ये काम किया, तो अखिलेश जी की भी जिम्मेदारी बनती है। तो चुनाव आ रहे हैं, हम फिर उनके चेहरे पे जा रहे हैं, और हम लगातार जा रहे हैं जब जनता के सामने, तो जनता तो वही सवाल करेगी कि अखिलेश जी, तो अखिलेश जी ने अगर एक अपनी लिस्ट दी तो उसमें क्या गलत किया? अब उनकी लिस्ट को शामिल नहीं किया गया। मैं जब प्रवक्ता था तो मैंने एक बात हमेशा कही, और मैं हमेशा एक बात कहता, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मैं इतना बड़ा कोई लीडर नहीं हूं, कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं करता हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, अखिलेश जी का सिपाही हूं। मैं एक ये चीज कहता था हमेशा कि ना अपमान करो इतना, ना अपमान करो इतना वो रूठ जाएगा, ना अपमान करो इतना वो रूठ जाएगा, खींचोगे अगर ज्यादा रबर टूट जाएगा। तो आज रबर को इतना खींचा गया कि उसका टूटना लाजमी था। और नेताजी ने कई मौकों के ऊपर अखिलेश यादव जी को ये कहा कि ये काम सही नहीं कर रहे हैं, ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, कोई बाहरी शक्ति से वो प्रभावित थे, कोई उनके आसपास थी। नेताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि एक बाप अपने के अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए बुरा सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिनसे जब इंसान घिर जाता है तो वो मजबूरी हो जाती है उसको वो कहना। कल उनके चेहरे के ऊपर आपने उदासी देखी होगी जिस वक्त उन्होंने अखिलेश जी को, पहले तो वो कह नहीं रहे थे रामगोपाल नावेद सिद्दीकी साहब, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी जरा। अखिलेश बार बार सवाल, बिल्कुल, अखिलेश यादव के घर के बाहर अभी क्या स्थितियां हैं वो भी हम समझ लेते हैं। अमिता पारुल हमारे साथ हैं, बैठक चल रही है। अमिता, कल से ही हम देख रहे हैं कि अखिलेश समर्थक लगातार जुटे हुए हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है, ये कह रहे हैं जो हुआ है गलत है। जो बैठक इस वक्त चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट निकल रहा है?
बिल्कुल श्वेता, बड़ी संख्या में यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थक बाहर हैं और अंदर जो बैठक चल रही है उसको लेकर ये अपडेट आ रही है कि करीब 200 के करीब विधायक और MLCs अंदर हैं, MLA और MLCs जो इस बैठक का हिस्सा हैं। कुछ समर्थक हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? हम बलिया से हैं, मनोज यादव, हम पदाधिकारी रहे हैं पार्टी के। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सड़क पर आ चुकी है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बनाने वाली है और अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, जिस तरह से बैठक में हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विधायक हिस्सा बने। आज जो विधायकों की बैठक ली गई है, आपको अंदर के द्वारा जो पता होगा, सबसे ज्यादा आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करीब 180 और 200 के समथिंग 200 के समथिंग जो है कि विधायक आज उपस्थित हो गए हैं। और आज अखिलेश यादव जी और विपक्ष के लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश का आम नौजवान किसान अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है और पूरी जनता आज पूरे प्रदेश में हर जगह पर पूरी जनता आज सड़क पर उतर आई है और सड़क पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो उनको निकाल दिया है पार्टी से। नेताजी से निवेदन करूंगा, नेताजी हम लोग लोहिया की धरती से, हम लोहिया की धरती से, नेताजी लोहिया जी को आदर्श मान के आपके आपको देख के हमने राजनीति शुरुआत की है, लेकिन आपके विचारों को अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा कर जी को पूरा करना। नेताजी आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े रेसलर हैं राजनीति के, लेकिन आज असली जिंदगी में आप हार चुके अपने घर में। आपसे अब निवेदन है कि अपनी बात को वापस लें, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को। श्वेता, एक रिएक्शन यहाँ पर महिला कार्यकर्ता जो आई हुई है उनका भी ले लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भावुक भी हो रही है क्योंकि सेंटिमेंट सबके जुड़े हुए हैं। हम बहुत देख रहे हैं आप भावुक हो रही है, क्या वजह है, क्या क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से आई है? विभाष शुक्ला हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ नेताजी से कि अखिलेश यादव जी जो हैं देश के और प्रदेश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको पार्टी में वापस लें, बस यही कहना चाहते हैं। और इस तरीके का बिल्कुल भी जो है गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो हमारे भविष्य हैं। भविष्य है, आप ये मानते हैं? भावे से मैं सदर विधानसभा से आई हूँ, मैं अखिलेश यादव से मुलायम से अपील करती हूँ कि अखिलेश यादव को वापस ले और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उनको वापस ले। हमारे मंत्री मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी 215 आप लोग मानते हैं कि उन्हीं के चेहरे पर समाजवादी पार्टी को आगे जाना चाहिए क्योंकि अब तो पार्टी में है? हाँ, हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के चेहरे को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। 215 विधायक अंदर है और बस हमको मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा युवा शक्ति है, ये हमें कल से देखने को मिल रही है। अखिलेश के जो समर्थक है वो कल से ही किस तरीके से परेशान है, महिला कार्यकर्ता रो रही हैं, वो कह रही हैं कि ठीक है जो हुआ नेताजी कम से कम माफ कर दे, वापस ले ले, इस तरह की चीजें कही जा रही हैं लगातार। अमिता, मैं आपका रुख करूंगी और जो एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसको भी हम बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नावेद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, अखिलेश समर्थक हैं आप, इनसे भी तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। बहुत अहम पल आ चुका है समाजवादी पार्टी के सामने, निकाल दिया गया है अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को और इस तरह इसके बाद किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है अखिलेश के समर्थन में। 396 वो उम्मीदवार जिनकी आज बैठक बुलाई गई है मुलायम सिंह यादव की ओर से, 67 उम्मीदवार सिर्फ पहुंचे हैं जिसमें से 11 विधायक हैं।